हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा टू बीटा। दिस इज जैन। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल ब्रांच का थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पावर जनरेशन एंड प्रोसेस। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली कवर करता है आप लोग के पास के अंदर कॉन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन मैथड। इसके अंदर हम लोग जो डिफरेंट टाइप के पावर जनरेशन मैथड हैं उन्हें डिस्कस करने वाले। सेकेंडली, ये हमारे पास के अंदर डिस्कस करता है न्यू एनर्जी सोर्सेज। थर्डली, ये हमारे पास में डिस्कस करता है लोड एंड टाइप्स ऑफ लोड एंड लोड कर्व्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, लोड फोरकास्टिंग के अंदर। उसके बाद में ये हमारे पास में कवर करता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, देन पावर प्लांट इकोनॉमिक्स, देन टैरिफ्स, और फिर उसके बाद में जो हमारा सेवन्थ यूनिट है वो आप लोगों के पास के अंदर सिलेक्शन ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, ये आप लोगों को किस प्रकार का कौन सा प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, और उसके पास में कौन सी यूनिट रिजर्व होनी चाहिए, और सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ पावर प्लांट कौन सा पावर प्लांट पास के लिस्ट के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से। आज हमारी फर्स्ट यूनिट है नॉन कॉन्वेंशनल। इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड है नॉन कॉन्वेंशनल, सबसे पहले आप लोग वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं और उस वर्ड को समझ के हम लोग आगे की तरफ हमारी की तरफ बढ़े। जो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि एनर्जी सोर्सेज आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉन्वेंशनल एंड अनदर इज नॉन कॉन्वेंशनल। जो आपके पास में एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आप लोगों के पास के अंदर कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, और दूसरा है आप लोगों के पास के अंदर नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके अंदर आपको अगेन थर्मल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ऑयल एक्सेट्रा। देखिए, कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उसके अंदर आप लोगों के पास के अंदर जितने भी नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज हैं ज़्यादातर वही आते हैं एक्सेप्ट हाइड्रो। नाउ अगर एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को वापस से दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया था। वन इज कॉमर्शियल एंड अनदर वन इज नॉन कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल के अंदर आपके पास में वुड आ गया, आपके पास में काउडक आ गया, और मतलब कि चारकोल एक्सेट्रा, ये सब आ गए नॉन कॉमर्शियल के अंदर। कॉमर्शियल के अंदर आ गया आपके पास में ऑयल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ईटीसी। ठीक है, ये जो होते हैं ये अगर करंट आप इलेक्ट्रिकल सिनेरियो की बात करें तो बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसे जनरेट करी जाती है, मतलब कि किसी ना किसी फॉर्म से इन्हें यूज़ करके इन्हें प्राइमरी फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है। प्राइमरी फ्यूल की हेल्प से, इनकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। बट अगर आप इन सबके अंदर एक कॉमन चीज़ देखेंगे तो इनके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कि अब ये अपनी एक स्टेज के अंदर पहुंच चुके हैं। इस स्टेज के आगे अब इनके अंदर जनरेशन इनसे पॉसिबल है नहीं। मतलब कि अगर आप कोल की बात करेंगे जो कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर प्राइमरी फ्यूल की तरह काम में ले जाता था, कोल आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 200 to 250 ईयर्स का लेफ्ट रहा है, कि 200 से 250 साल तक आपके पास में कोल और लेफ्ट रहा है, मतलब कि आप एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। और कई सारे देशों के अंदर तो कोल लगभग वो लोग अपनी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ कोल उनके पास से ख़त्म हो चुका है। हाइड्रो के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिस तरीके से कि एक लिमिट है, क्योंकि एक रन ऑफ के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आप लोगों को जो आपके रिजर्वायर्स हैं, एक लीन फ्लो किसी भी रिवर के लिए आपको बनाने के लिए कहीं ना कहीं से एक फ्लो को मेंटेन रखना पड़ेगा, और उसके लिए आप ज़्यादातर हाइड्रो डैम्स आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हाइड्रो डैम्स भी अपने एक लिमिट के ऊपर पहुंच चुके हैं। गैस के लिए अगेन आपको किसी ना किसी फ्यूल की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर आप डालेंगे उसको आपको वापस से गर्म तो करना ही पड़ेगा, हीट तो आपको उस कंप्रेस्ड एयर को देनी पड़ेगी। न्यूक्लियर की अपने कुछ लिमिट्स हैं। यूरेनियम अभी एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि यूरेनियम जो कि इस प्राइमरी फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, वो अभी भी एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 सालों तक और सर्व कर सकता है। ऑयल लगभग डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कई सारे देशों के पास में ऑयल नहीं है, और काफ़ी सारे देश अरब कंट्रीज़ के ऊपर ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उनके खुद के डिपोज ऑयल के बिल्कुल भी नहीं है, और ऑयल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। उसके अगर आप अगेंस्ट अगर देखें तो नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये जो नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उसके अंदर विंड, सोलर, टाइडल, बायोमास एक्सेट्रा हैं। ये सभी अल्टरनेटिव्स हैं किसके, जो कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके, कि हमें एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलती रहे जिसके, और वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये जो है नेचुरल, जो अर्थ का जो नेचुरल एनर्जी फ्लो है उसको किसी ना किसी से यूज़ करके और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म के ऊपर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, माना कि अभी ये इनिशियल है, बिल्कुल अल्टरनेटिव है, रिसर्च के इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये अभी इनिशियल अपने डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, बट आगे फ्यूचर के अंदर ये जाके ये काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अभी काफ़ी स्मॉल अमाउंट के अंदर इनके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बट आने वाले फ्यूचर के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क पावर हमें यहाँ से मिल सकता है। सो डिजाइन टू टैप द अर्थ्स नेचुरल एनर्जी फ्लो, मोस्ट ऑफ देम आर रिन्यूएबल। इन दिस प्रोसेस शेयर्स ए स्मॉल क्वांटिटी, मतलब अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ये काफ़ी कम, काफ़ी शॉर्ट अमाउंट, मतलब कि आप ये कह सकते हैं काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर अभी ये जनरेट करें, बट आने वाले टाइम के अंदर ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करेंगे। और धीरे धीरे अगर आप इंडिया की बात करें तो सोलर के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इंडिया एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर सोलर पावर जो है उसे जनरेट कर रहा है और उसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। बट अभी का अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो मोस्ट ऑफ दी आप ये मान सकते हैं कि अबाउट 90%, अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड अगर आपको कहूँ तो कम से कम भी वर्ल्ड के अंदर 90% जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं पे कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से ही हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जनरेटिंग स्टेशन को, उसके बाद में हम लोग हमारे सिलेबस के ऊपर आएंगे। सो नाउ द जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन क्या होते हैं? देखिए जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हम कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक कहीं ना कहीं पे हम लोग कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड द डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज सो मच डैट इट बिकम्स एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, स्टार्टिंग विथ आवर सेलफोन, हमारे मोबाइल फोन से लेके कंप्यूटर, कार, किचन, एवरीवेयर ह्यूमन लाइफ इज कम्प्लीट डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोग चल रहे हैं आज के तारीख के अंदर, अगर एक बात करी जाए, चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप मशीनरीज देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, सब हम लोग कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हैं। सो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वी नीड अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, हैंस सच अ बल्क डिमांड ऑफ पावर कैन ओनली बी फुलफिल्ड विद अ सुटेबल पावर प्रोडक्शन यूनिट नोन एज पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिकल स्टेशन। बेसिकली क्या होता है कि हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट है आज की तारीख के अंदर, जो कि हमारे पास में रिलायबल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक पावर प्लांट बना दिया जो कि इकोनॉमिकली हमारे लिए इकोनॉमिकली भी हमारे को, मतलब कि आप ही मान के चलिए कि नुकसान दे रहा है, और फिर उसके बाद में उसकी रिलायबिलिटी भी नहीं। तो हमें एक ऐसी जनरेटिंग यूनिट्स बनानी है जो कि एक लंबे टाइम तक चले और फिर हमारे पास में कंटिन्यूस फ्लो उसका मेंटेन रहे, कि ऐसा नहीं हो कि डिस्टर्बेंस कंटिन्यूसली आते रहें। सो जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है? जनरेटिंग स्टेशन वो होते हैं कि बल्क इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल प्लांट्स नोन एज जनरेटिंग स्टेशन ऑफ पावर प्लांट्स। सो जनरेटिंग स्टेशन की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप लोगों के पास में बल्क इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट हो रही है और एक रिलायबल इलेक्ट्रिकल पावर आप लोगों को कंटिन्यूसली मिल रही है, तो उन्हें कहा जाता है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से एक जनरेटर, एक अल्टरनेटर जो होता है वो कपल्ड होता है, और फिर उसकी हेल्प से नॉन कॉन्वेंशनल जनरेटिंग स्टेशंस के कॉन्वेंशनल जनरेटिंग स्टेशंस के ऊपर या नॉन कॉन्वेंशनल जनरेटिंग स्टेशंस के ऊपर एक किसी ना किसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि एक रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करी जाती है, और उस रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ठीक है, कुछ जगह पे नॉन कॉन्वेंशनल के अंदर जो है डायरेक्टली एनर्जी का जो नेचुरल फ्लो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल के अंदर, बट इन मोस्ट ऑफ द कॉन्वेंशनल सोर्सेज एंड सम ऑफ द नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज मैकेनिकल एनर्जी फर्स्टली जनरेट करी जाती है, उसके बाद के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी जाती है उस मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से। सो जनरेटिंग स्टेशन हैविंग ए प्राइम मूवर कपल्ड टू एन अल्टरनेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, सिंपली वही है कि जनरेटिंग स्टेशन हैविंग ए प्राइम मूवर कपल्ड विद अल्टरनेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। या प्राइम मूवर कन्वर्ट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी, प्राइम मूवर दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टीम टर्बाइंस होती है। स्टीम टर्बाइंस क्या करती है कि सबसे पहले जो उनके अंदर स्टीम दिया जा रहा है उसे एक मैकेनिकली एक रोटेटरी मोशन के अंदर कन्वर्ट करेगी, और फिर वो जो रोटेटरी मोशन होगा वो आप लोगों के पास में जो आपका अल्टरनेटर है उसके साथ में कनेक्ट रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं पे जो आपका अल्टरनेटर है वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा, रोटेटरी मोशन स्टार्ट करेगा, और फिर उसके बाद में आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी मिलना चालू हो जाएगा। द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद हेल्प ऑफ अल्टरनेटर, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटर को घुमाने के लिए आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिफरेंट टाइप के तरीके से घुमाया जाता है, मतलब कि जो प्राइमरी जो फ्यूल जो होता है वो अलग अलग तरीके का, तो उसी के बिहाफ के ऊपर
जो है जनरेशन मेथड्स को काफ़ी बार पावर स्टेशंस को जनरेटिंग स्टेशंस को क्लासिफाइड किया गया. वन इज स्टीम, अनदर वन इज हाइड्रो, डीजल, गैस एंड न्यूक्लियर. अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें चार पढ़ने हैं, स्टीम, हाइड्रो और गैस एंड न्यूक्लियर. ये चारों ही हमारे सिलेबस के अंदर है. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टीम पावर प्लांट के साथ के अंदर. सो स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट को हम लोग किसके और नाम से जानते हैं? स्टीम पावर प्लांट को हम लोग जानते हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट के नाम से, थर्मल स्टेशन के नाम से एंड थर्मल पावर प्लांट के नाम से. बेसिकली स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट ज्यादातर जो जनरल टर्म्स के अंदर काफी ज्यादा काम में लिया जाता है. सो डेफिनेशन से शुरू करते हैं सबसे पहले. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट. A generating station which converts heat energy of coal combustion into electrical energy is known as steam power plant. काफ़ी ईजी डेफिनेशन है कि एक ऐसा जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो रहा है कि कोल को जलाया जा रहा है और उसकी जो हीट एनर्जी है, कोल की जो हीट एनर्जी है उसको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे जो काम में लिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे उसको काम में लिया जा रहा है. इन ए स्टीम पावर प्लांट फर्स्टली द केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज कन्वर्टेड इंटू थर्मल एनर्जी इन बॉयलर. Now, the thermal energy is converted into mechanical energy in a turbine. In final stage, mechanical energy is converted into electrical energy with help of generating station. अब इन पैराग्राफ को आप समझिए. स्टीम पावर प्लांट के अंदर जो बेसिक फ्यूल होता है, जो फर्स्ट फ्यूल होता है, वो काम में लिया जाता है कोल. सबसे पहले क्या होगा, कोल आएगा, कोल को गर्म किया जाएगा, कोल को जलाया जाएगा. कोल को जला के जो कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, जो कोल की जो केमिकल एनर्जी है, फर्स्टली उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, स्टीम के अंदर, मतलब कि थर्मल एनर्जी के अंदर. पानी को उबाला जाएगा, पानी को इतना उबाला जाएगा कि उसकी बाफ बन जाए, उसको स्टीम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा बॉयलर के अंदर. फिर उसको स्टीम एनर्जी को जो टर्बाइन है, जो आपको मूविंग पार्ट है, वहां डाला जाएगा. टर्बाइन जो होगी उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे. किस तरीके से, जो आपका टर्बाइन है वो कपल्ड होगा, शाफ्टिंग कपल्ड होगा उसका अल्टरनेटर से, और अल्टरनेटर जो है वो सर्कल रोटेटिंग मोशन करेगा और उसकी हेल्प से आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी. अ थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ऑन रैंकिन साइकिल, थर्मल पावर प्लांट जो बेस्ड होता है वो होता है रैंकिन साइकिल के ऊपर. डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर थर्मल पावर प्लांट वर्किंग करते हैं, तो वो होता है रैंकिन साइकिल. ज्यादातर रैंकिन साइकिल मैकेनिकल का पार्ट है. देखिए एक चीज मैं आप लोगों को पावर प्लांट स्टार्ट करने से पहले पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जो पावर प्लांट्स हैं इसके अंदर हमें एक बेसिक्स पढ़, अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट, एक मान के चलिए कि पूरा का पूरा एक यूनिट होता है. हम लोग तो चार को एक ही यूनिट के अंदर पढ़ते हैं. पूरा का पूरा एक यूनिट होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए. टर्बाइन जो होता है पूरा का पूरा एक यूनिट होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए. बट हमें क्या है, बेसिक बेसिक पढ़ना है. अब हम लोग इतना डीपली जाके नहीं पढ़ेंगे कि पूरा रैंकिन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग केवल रैंकिन साइकिल का ओवरव्यू देखेंगे. ठीक है, तो रैंकिन साइकिल का ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि रैंकिन साइकिल क्या है. कि आपके पास के अंदर एक बॉयलर है, बॉयलर के अंदर आप लोग तीन इनलेट दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं और कोयल दे रहे हैं, कोल दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं और कोयल दे रहे हैं. ये आप लोग क्या कर रहे हैं, बॉयलर को दे रहे हैं. बॉयलर क्या होगा, आप दो चीज़ें देगा, वन इज स्टीम एंड अनदर वन इज फ्लू गैसेस. ठीक है, एक तो क्या देगा कि वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर फ्लू गैसेस देगा और एक स्टीम देगा बॉयलर के अंदर. जो पानी आपने डाला है, कंबल्शन हुआ है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि गैसेज आएगी आएगी, कंबल्शन गैसेज आएगी आएगी और स्टीम आएगी आएगी. नॉट इज स्टीम को क्या होता है कि टर्बाइन के ऊपर डाला जाता है. टर्बाइन क्या करेगा, मैकेनिकल मोशन करेगा और उसके बाद में क्या होगा, अल्टरनेटर होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास में जनरेट होगी. नाउ जो टर्बाइन होता है उसके जो एग्जॉस्ट होता है उसके ऊपर क्या करा जाता है, कंडेंसर लगाया जाता है. इससे क्या होता है कि जो टर्बाइन का एंड है उसके यहाँ पे ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर मेंटेन करे, ताकि क्या हो कि स्टीम जो है वो फुल्ली एक्सपांड हो. अभी हम लोग एक और सिस्टमेटिक डायग्राम देखते हैं और इस सिस्टमेटिक डायग्राम को आप लोगों के आपके एग्जाम कॉपीज के अंदर बनाना बहुत ही एसेंशियल होता है. काफ़ी ईजी है इसको बनाना, बट इसी को अगर आपने समझ लिया तो पूरा स्टीम पावर प्लांट आपको समझ में आ जाएगा और यही जो डायग्राम है यही आपको मार्क्स दिलाएगा. तो चलिए उस डायग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो ये एक डायग्राम है. सो स्टार्टिंग विद कोल स्टोरेज, सबसे पहले क्या होता है, जो एसेंशियल जो प्राइमरी फ्यूल होता है वो होता है कोल स्टोरेज. तो कोल को क्या करा जाता है कि माइन से लाया जाता है, कोल को कोल माइन से लाया जाता है, लाके यहाँ पे स्टोर किया जाता है. देखिए कोल जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टीम पावर प्लांट के अंदर. कोल ही है जो प्राइमरी फ्यूल है और इसका अगर शॉर्टेज हो गया तो आप ये मान के चलिए कि पूरा स्टीम पावर प्लांट आपका बंद हो जाएगा. तो इस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए कम से कम मिनिमम 15 डेज का स्टोरेज यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है कि 15 डेज का स्टोरेज आपके पास में मेंटेन रहना ही चाहिए कोल का. कि 15 डेज तक आप कंटिन्यूअसली, अगर कोल का कोई सी भी तरीके का सप्लाई ब्रेक होता है तो आप कंटिन्यूअसली सप्लाई को मेंटेन रख सके. सो 15 डेज सप्लाई मेंटेन मस्ट. कोल को माइन से लाया जाता है बाय द मीन ऑफ रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर स्पेस के थ्रू कोल को यहाँ पे डाला जाता है. कई बार जो कंट्रीज होती है वो बाहर से भी, दूसरी कंट्रीज से भी कोयला इम्पोर्ट करती है और कई बार इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है. इंडिया का अगर मेनली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर कोल जो होता है वो इम्पोर्ट होता है बाय वाटरवेज.
अब इसके बाद के अंदर अगर देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो कोल आता है वो आपके पास में काफी बड़े बड़े जैसे पत्थर होते हैं ना उसी फॉर्मेट के अंदर कोल आएगा। तो क्या होता है कि इतने बड़े अगर आप देखें तो एक लकड़ी को जलाना, एक बड़ी लकड़ी को जलाना थोड़ा टफ होता है, बट अगर हम लोग छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दें, अगर उसकी बारीक बारीक बुरादा कर दें तो वो काफी आसानी से जल जाती है। तो क्या होता है कि कोल स्टोरेज से कोल को कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर भेजा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कोल का पल्वराइजेशन किया जाता है, मतलब कि कोल को काफी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है। उससे क्या होता है कि कोल का सरफेस एक्सपोजर जो होता है वो बढ़ता है और कोल का जो कंबल्शन है वो काफी अच्छे से होता है। नाउ फ्रॉम द पल्वराइजिंग प्लांट कोल को कन्वेयर बेल्ट और बकेट्स की हेल्प से कहाँ होता है कि बॉयलर के अंदर डाला जाता है। अच्छा, अब बॉयलर के अंदर क्या होता है, कंबल्शन होता है, तो इसको केवल बॉयलर बोलना सही नहीं होगा, यहाँ पे आप ये लिख दीजिए बॉयलर एंड बॉयलर फर्नेस, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि बॉयलर के अंदर अगर कोयला जल रहा है तो ऑब्वियस ये चीज है कि राख प्रोड्यूस होगी होगी, ऐश प्रोड्यूस होगी होगी। सो नाउ जो ऐश प्रोड्यूस होगी उसको क्या होगा, ऐश हैंडलिंग प्लांट के अंदर डाला भेजा जाएगा। सबसे पहले उसके अगर ऐश के अंदर ऐश को फिल्टर किया जाएगा, ऐश को थोड़ा सा बारीक भी किया जाएगा अगर वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो उसके बाद में क्या होता है कि उसको ऐश स्टोरेज प्लांट के अंदर भेज दिया जाता है। ऐश स्टोरेज प्लांट से उसको सीमेंट फैक्ट्रीज या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो वापस से उसका यूज हो जाता है। अच्छा, अब बॉयलर के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ स्टीम तो यहाँ से हमें निकल रही है। इसके बाद में क्या होगा, फ्यूज फ्लू गैसेज निकलेगी, कंबल्शन गैसेज निकलेगी, जिनका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होगा और ये काफी ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी, हीट एनर्जी। तो ऑब्वियस चीज है कि इनके अंदर भी काफी ज्यादा होगी होगी, क्योंकि जो भाप होती है, जो धुआं होता है, उसकी ऑब्वियस चीज है काफी ज्यादा एनर्जी होती होती है। सो नाउ द फ्लू गैसेज निकल रही, फ्लू गैसेज जो निकल रही है उनके अंदर क्या है, काफी ज्यादा हीट है आपके पास में। सो द फ्ल्यू गैसेस जो है वो आपके पास में सुपर हीटर के ऊपर जा रही है। सुपर हीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो स्टीम निकल रही है उसको काफ़ी ज़्यादा हीट किया जाता है, वाटर के जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे भी काफ़ी ऊपर हीट किया जाता है। उससे क्या होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और ये जो आपके इक्विपमेंट्स हैं आगे जैसे कि टर्बाइन वगैरह उसको कोरोड नहीं करती हैं। और अगर ऑब्वियस चीज़ है, मॉइस्चर कंटेंट अगर कम हो गया तो जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जो स्टीम है वो काफ़ी कम नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज़ है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, तो हमें एक अच्छा टॉर्क देखने को मिल सकता है। इससे क्या होता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो भी पावर प्लांट की बढ़ती है। अगर आप एक्चुअल एफिशिएंसी की बात करें किसी भी थर्मल पावर प्लांट की, तो वो 22 से लेकर 29% के बीच में होती है, 22 से लेके वो 29% तक किसी भी थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है। हद मार के आप अगर कितना भी आप मॉडर्न इक्विपमेंट्स काम में लेते तो आप 40% तक तो उसकी एफिशिएंसी को ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब जो फ्ल्यू गैसेज है कुछ हीट इन्होंने अपनी सुपर हीटर के यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है, किसको, स्टीम को, बट कुछ ना कुछ तो फ्ल्यू गैसेज के पास में अभी भी स्टीम कुछ ना कुछ हीट एनर्जी तो होगी होगी फ्ल्यू गैसेज के पास में स्टीम को ट्रांसफर करने के बाद में। तो अब क्या होता है कि एक इकोनोमाइजर लगाया जाता है। अच्छा, इकोनोमाइजर का काम क्या होता है कि जो वाटर आप बॉयलर के अंदर डाल रहे हैं डायरेक्टली उसको ना डाल के थोड़ा सा उसको आप इकोनोमाइजर को गर्म करके, इकोनोमाइजर से आप उस वाटर को गर्म करके डालें, ताकि क्या होगा कि बॉयलर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और फ्ल्यू गैसेज की जो हीट है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि इकोनोमाइजर लगाया जाता है। सो इकोनोमाइजर एक डिवाइस होती है जिससे क्या होता है कि जो आपके पास में फीड वाटर हीटर से जो वाटर आ रहा है उसको थोड़ा सा वापस से गर्म करके और बॉयलर के अंदर डाला जाता है। अभी भी क्या होता है कि फ्ल्यू गैसेस के अंदर थोड़ी सी हीट होती है, तो एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बॉयलर के अंदर किन चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो फ्यूल की जरूरत होती है, कंबल्शन के लिए हवा की जरूरत होती है और स्टीम के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, तो ये तीनों ही चीज़ें डाली जा रही है। तो अब हवा की भी हमें जरूरत होगी, तो हवा को भी क्या होता है कि प्री हीट करके डाला जाता है। इससे भी क्या होता है कि जो पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है और जो बॉयलर के ऊपर स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम रहता है और एफिशिएंसी इंक्रीज। हमारा मेन मकसद क्या होता है कि कम कम लागत के ऊपर हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ पावर मिल जाए, हमारे जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो। इतने सारे इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद में भी पावर प्लांट की एफिशिएंसी आप 40% तक ही बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फोर्स डॉट फैन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉयलर के अंदर हवा भेजने के लिए, और इंड्यूस डॉट फैन होता है जो कि जो फ्ल्यू गैसेस कंबल्शन गैसेस निकल रहे हैं उन्हें चिमनी के थ्रू बाहर निकालने के लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जो स्टीम यहाँ से जा रही है उसे क्या होता है, कंट्रोलिंग वॉल्व यहाँ लगाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टर्बाइन के ऊपर जो भी स्टीम जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे ही आप लोगों के पास के अंदर टर्बाइन पे स्टीम गई तो वो स्टीम वापस बाहर भी निकलेगी, तो एग्जॉस्ट स्टीम होता है। अच्छा, एग्जॉस्ट स्टीम के जस्ट नीचे लगाया जाता है कंडेंसर को। कंडेंसर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी टर्बाइन का एंड है उसके यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है उसे फटाफट कंडेंस करे, यहाँ पे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर को मेंटेन रखे, जिससे थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल यहाँ पे फुलफिल होता रहे कि दैट द स्टीम जो है वो आपके पास में हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आए। यहाँ पे लोअर प्रेशर है तो जिससे क्या हो कि आप लोगों को एक अच्छे अमाउंट के अंदर टॉर्क मिलता रहे।
तो इसके लिए यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन रखने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कंडेंसर की जिम्मेदारी। कंडेंसर आपके पास में दो तरीके के होते हैं, सरफेस कंडेंसर एंड जेट कंडेंसर, जिसे हम लोग आगे जाके भी पढ़ने वाले। अच्छा, अब कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर इस स्टीम को कंडेंस करेगा, ऑब्वियस चीज है स्टीम को ठंडा करेगा, तो उसे ठंडा करने के लिए क्या होता है बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। हैंस अब इतना सारा पानी आपके पास में अगर रिवर के पास के अंदर आपका पावर प्लांट सिचुएटेड है तब तो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो परेशान करने लग जाते हैं। ऑब्वियस चीज़ है कि अगर आप कंडेंसर का जो गर्म पानी निकलेगा उसे अगर रिवर के अंदर डालेंगे तो जो रिवर की जो भी फ्लोरा एंड फौना है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या होता है, कूलिंग टावर बनाया जाता है, इससे क्या होता है कि जो पानी आपने एक बार रिवर से ले लिया उसको ही क्या होता है कि बार बार रिसाइकिल किया जाता है, बार बार उसे रीयूज किया जाता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमें बार बार रिवर से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ती और उसी पानी को ठंडा कर करके वापस से कंडेंसर के अंदर डाल के और वापस से उसे रीयूज किया जाता है। अच्छा, अब जो कंडेंस स्टीम आ रही है उसे हम लोग कंडेंस एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से वापस से बॉयलर के अंदर फीड कर देते हैं। जो कंडेंस जो स्टीम यहाँ से कंडेंसर से स्टीम निकाली, कंडेंस एक्सट्रैक्शन पंप लिया, फीड वाटर पंप लिया, उसे फीड वाटर हीटर पे गर्म किया और उसे फिर वापस इकोनोमाइजर से निकाल के और वापस से बॉयलर के ऊपर डाल दिया। तो जो कंडेंस स्टीम है वैसे उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा और उस टेम्परेचर से क्या है कि हमें ज़्यादा वापस से पानी को गर्म करना पड़ेगा नहीं और नया पानी हमें बार बार रिवर से लेना पड़ेगा नहीं। तो जो कंडेंस जो निकल रहे हैं, जो स्टीम जो निकल रही है वो वैसे ही अपने पास के अंदर बहुत ज़्यादा प्योर होती है, स्टीम ऑब्वियसली चीज़ है बहुत ज़्यादा प्योर है, तो इसकी वजह से क्या होगी बॉयलर का भी कोरोड होने का चांसेस काफ़ी कम रहता है। तो स्टीम को वापस से क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन पंप्स की हेल्प से और फीड वाटर पंप की हेल्प से वापस इकोनोमाइजर के अंदर डाल के बॉयलर के अंदर डाल दिया जाता है। मेनली कूलिंग टावर, कंडेंसर और टर्बाइन्स को हम लोगों को अभी थोड़ा डीपली और देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बॉयलर को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये एक बेसिक सा डायग्राम है, ये डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम ही मार्क्स के डायग्राम है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट के लिए आप इस डायग्राम को बना लें और बनाना सीख लें, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है ये डायग्राम, केवल इतना सा बड़ा हमें लगता है बट इतना कोई टफ है नहीं। सुना होता कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड हैंडलिंग प्लांट एफिशिएंसी जो होती है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एफिशिएंसी इतनी सी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, थोड़े से आप लोग नोट्स भी मेरे साथ साथ बनाए चलिएगा, इससे आपको काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगा। सो कोल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द मीन ऑफ रेल एंड रोड एंड वाटर टू अवॉइड द सप्लाई शॉर्टेज, मिनिमम स्टोरेज ऑफ 15 डेज इज मेंटेन। फ्रॉम द स्टोरेज प्लांट कोल इज डिलीवर्ड टू द कोल हैंडलिंग प्लांट, इन द कोल हैंडलिंग प्लांट कोल इज पल्वराइज टू इंक्रीज इट सर्फेस एक्सपोजर, द पल्वराइज कोल इज फीडेड टू द बॉयलर बाय द मीन ऑफ बेल्ट और बकेट कन्वेयर। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर, जो सिस्टमैटिक डायग्राम हम लोगों ने स्टीम पावर प्लांट का पढ़ा था। एस स्टोरेज के लिए बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आफ्टर द कंबल्शन ऑफ कोल एस इज प्रोड्यूस्ड विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉयलर एंड स्टोर्ड एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द एश हैंडलिंग प्लांट्स। चलिए, ये एक थोड़ा सा बेसिक्स था और ये डायग्राम हम लोग पहले ही आगे कवर कर चुके हैं। नाउ इस सिलेक्शन ऑफ साइट्स को हम लोग थोड़ा सा बाद के अंदर कवर करते हैं, पहले हम लोग बॉयलर के जो भी मेन इक्विपमेंट्स हैं अब हम लोग उसे देख लेते हैं, स्टीम पावर प्लांट के जितने भी अब मेन इक्विपमेंट्स हैं हम लोग उसे देखते हैं। फर्स्टली आता है हमारे पास में बॉयलर। अ बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ कोल कंबल्शन। सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि बॉयलर आपके पास के अंदर वही एक मान के चलिए कि एक चूल्हा जल रहा है। अच्छा, समझने के लिए मैं समझा देता हूँ, एक चूल्हा जल रहा है, उस चूल्हे के अंदर क्या है कि नीचे आप लोगों ने कोयला डाल के आग लगा रखा है, यहाँ पे पानी भर रखा है और यहाँ से एक स्टीम जनरेट हो रही है। बस इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, अभी बॉयलर को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे बट इसको इस चीज को ऐसे समझ लीजिए। कि एक स्टीम पावर प्लांट है, उसका बेसिक यही है कि आप नीचे से आग लगा रखी, ऊपर पानी भर रखा है और यहाँ से स्टीम आप लोगों के पास के अंदर निकल रही है। सो जो बॉयलर है, बाय द डेफिनेशन बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल एंड द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ द कोल्ड कंबल्शन। सो अब जो बॉयलर है उसको बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 99% आप लोगों के पास में वाटर ट्यूब बॉयलर ही मॉडर्न सिनेरियो के अंदर काम में ले जाता है, बट बाय द डेफिनेशन हमें दोनों ही पढ़ने होंगे। सो वन इज वाटर ट्यूब बॉयलर, अदर वन इज फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है आप लोगों के पास के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का बॉयलर चैम्बर है, इसके अंदर क्या है कि ट्यूब्स हैं, इसके अंदर मेटल की काफी सारी ट्यूब्स, ऐसी इस तरीके से मेटल की आप ट्यूब समझ लीजिए। इनके अंदर क्या है कि यहाँ पे नीचे कंबल्शन हो रहा है, ये कंबल्शन हो रहा है और इनके अंदर क्या है कि पानी फ्लो, इन ट्यूब्स के अंदर पानी भरा हुआ है, तो ऑब्वियस चीज है कि जो कंबल्शन है इन ट्यूब्स के अंदर जो है पानी उसको गर्म करेगा और फिर ये पानी इतना गर्म हो जाता है कि ये जाके स्टीम के फॉर्मेट के अंदर बन जाता है। अच्छा, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होता है कि जो फ्ल्यू गैसेज होती है, जो कंबल्शन गैसेज होती है, वो क्या होती है कि इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो होती है और वाटर पूरा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वाटर भरा होता है। तो ये क्या होती है, अपनी गर्मी जो होती है वो इस वाटर के अंदर करती है और इतनी ज्यादा गर्मी इस वाटर को दे देती है कि ये जो वाटर है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, फिर ये जाके स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
सो वाटर ट्यूब बॉयलर, स्टीम ट्यूब बॉयलर. इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स एंड हॉट गैसेज ऑफ कंबल्शन फ्लोज ओवर दीज ट्यूब्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है. और इन अ फायर ट्यूब बॉयलर, द हॉट प्रोडक्ट्स ऑफ कंबल्शन गैसेज पासिस थ्रू दीज ट्यूब्स. ठीक है, यही तो डेफिनेशन है. बट क्या होता है कि फायर ट्यूब बॉयलर के काफी सारे ड्रॉबैक्स है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या बहुत ज्यादा प्रेशर अगर ट्यूब्स के, तो वो क्या ट्यूब्स के फटने का डर रहता है. तो मेनली क्या होता है कि इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर है नंबर ऑफ एन एडवांटेज ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर, सो वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर यूनिवर्सली यूज्ड. नाउ द बॉयलर फर्नेस, अ बॉयलर फर्नेस इज अ चैम्बर इन विच फ्यूल इज बर्न्ड एंड लिबरेट द हीट एनर्जी. इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनक्लोज फॉर द कंबल्शन इक्विपमेंट. द बॉयलर फर्नेस वॉल मेड अप ऑफ एन रिफ्लेक्टिव मटेरियल सच एज क्ले एंड फर्नेस. ये बॉयलर फर्नेस के ऊपर है कि जो भट्टी होती है उसके बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपके पास के अंदर जो कंबल्शन है वो हो रहा है. चलिए एक डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम को देख के आपको और अच्छे से समझ में आएगा. 2 मिनट के लिए मैं मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करिएगा और इस डायग्राम को आप देखिएगा. जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर मैंने आपको जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स बताया ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे इक्विपमेंट्स इसी सीक्वेंस के अंदर प्लेस्ड हो. ठीक है, हम लोग इंजीनियर है, हम लोग हमारे हिसाब से हमारे स्टीम प्लांट, हम लोग हमारा जनरेटिंग स्टेशन हमारे हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. ये बेसिक इक्विपमेंट्स है जिन्हें आप लगाते हैं तो आपकी स्टीम प्लांट, जो आपका पावर थर्मल पावर प्लांट है, उसकी एफिशिएंसी आपके पास में इंक्रीज होगी. ये बेसिक, पर इनकी प्लेसिंग हमारे ऊपर डिपेंड करती है हम किस तरीके से इसका डिजाइन करना चाहते हैं. तो ये कोई डिजाइन पावर प्लांट है जिसका जो फोटो है वो है, और इसको आप 2 मिनट के लिए आप देखिए तो आपको कुछ काफी सारी चीजें आपकी समझ में आएगी. स्टीम बॉयलर है यहाँ पे, सुपर हीटर किस जगह पे रखा हुआ है आपके पास में, एयर प्री हीटर. अच्छा, कई सारे अलग अलग डायग्राम्स होंगे, उनके अंदर इनकी जो प्लेसिंग्स होगी वो अलग अलग होगी. री हीटर लगा हुआ है, इकोनोमाइजर कहाँ लगा हुआ है, वाटर किधर से जा रहा है, इनलेट फ्लू गैसेस का किस तरीके से सुपर हीटर. अब ऐसा हो सकता है कि फ्लू गैसेस को ले जाके फिर ऊपर रख दिया. सो स्टीम पावर प्लांट जो होता है ना, उसको अगर आप लोग प्रैक्टिकली अगर जाके देखेंगे ना, तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा. 2 मिनट के लिए इस डायग्राम को अच्छे से आप देखिए कि वाटर किस तरीके से यहाँ आ रहा है और फिर वो जा रहा है. 2 मिनट के लिए इस डायग्राम को आप देखिए, एफ डी फैंस कहाँ है, पी ए फैंस कहाँ है, देखिए आप. ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सुनाओ, सुपर हीटर, सुपर हीटर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? सुपर हीटर अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बॉयलर से स्टीम निकल रही है उसके बाद में एक ब्लॉक डायग्राम आया था. यहाँ पे जो हमारा प्लेस था वो था सुपर हीटर, इसके बाद में जो हमारा प्लेस था वो था वॉल. तो सुपर हीटर कहाँ था? सुपर हीटर था कि जहाँ से बॉयलर से जो स्टीम निकल रही है उसके बाद में जो ये आया था, ये था सुपर हीटर. सो सुपर हीटर, ए सुपर हीटर इज अ डिवाइस विच सुपर हीट द स्टीम, दैट इज इट रेज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर. दिस इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट. ये मैं आपको चीज पहले ही बता चुका हूँ कि सुपर हीटर क्या करता है कि जो स्टीम बॉयलर से निकल रही है उसको और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर उसको करता है, ताकि ताकि क्या हो कि आपकी जो ऑल ओवर एफिशिएंसी है वो प्लांट की वो इंक्रीज हो, क्योंकि ऑब्वियसली जगह टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर भी उसकी वजह से काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और वो फिर क्या होगा, अच्छे से एक्सपांड होगी तो हमें अच्छे से टॉर्क मिलेगा. सुपर हीटर कंसिस्ट ऑफ एन ग्रुप ऑफ एन ट्यूब मेड अप ऑफ एन स्पेशल अलॉयज, दीज आर मेड अप ऑफ एन हीटेड बाय द हीट ऑफ द फ्लू गैसेज ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम फर्नेस टू द चिमनी. बेसिक्स है कि ये क्या करते हैं कि जो फ्लू गैसेस की हीट होती है उसको यूज करते हैं, और उस हीट को क्या होता है कि ताकि हीट की क्या ये वेस्टेज भी ना हो फ्लू गैसेस की हीट के अंदर, और जो है आपके पास में स्टीम जो है वो भी अच्छे से सुपर हीट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगी कोरोजन की समस्या और एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए. सुपर हीटर को बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, वन इज कन्वेक्शन टाइप एंड अनदर वन इज रेडिएंट, और थर्ड इसका है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ. कन्वेक्शन टाइप और रेडिएंट टाइप क्या होता है? कन्वेक्शन टाइप के अंदर क्या होता है कि जो फ्लू गैसेज होती हैं वो जब चिमनी की तरफ जा रही होती है तो क्या होता है कि इस की डिजाइनिंग जो ट्यूब्स होती है उनको इस तरीके से प्लेस में किया जाता है कि जो सुपर हीटर है वो इस तरीके से प्लेस किया जाएगा कि जाते हुए जो जो फ्लू गैसेस है वो अपनी हीट्स जो इसको पास कर दे. और जो रेडिएंट टाइप सुपर हीटर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इसको फर्नेस के पास के अंदर प्लेस किया जाता है ताकि ये डायरेक्टली जो है वहाँ से फर्नेस से गर्मी खींचे और जो स्टीम है उसको सुपर हीट करें. सो ये हो गया आप लोगों के पास के अंदर सुपर हीटर. नाउ गोइंग टू द इकोनोमाइजर. अच्छा, अब इकोनोमाइजर क्या होता है? इकोनोमाइजर मेनली कंसिस्ट ऑफ इन ए क्लोज स्पेस पैरेलल ट्यूब थ्रॉट विच फीट वाटर ऑन इट्स वे टू द बॉयलर फ्लोज एंड द फ्लू गैसेस फ्लोज आउटसाइड these tubes, some of the heat energy of these flue gases recovered by heating the feed water heater. वही है जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम के टाइम पे बताया था कि इकोनोमाइजर कहाँ होता है. इकोनोमाइजर होता है आप लोगों के पास के अंदर जस्ट इसके ऊपर. कहाँ पे होगा इकोनोमाइजर? जस्ट इसके ऊपर की फ्लू गैसेस के रास्ते के अंदर, जो चिमनी के अंदर जा रहा है जस्ट इसके ऊपर होगा इकोनोमाइजर. इकोनोमाइजर का काम क्या होता है कि जो वाटर आ रहा है फीड वाटर हीटर से उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा देना, जिससे क्या होगा कि जो फ्लू गैसेस की हीट एनर्जी वो भी यूटिलाइज्ड हो जाए और बॉयलर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना आए. स्टीम टरबाइन,
अच्छा, अब स्टीम टरबाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टीम टरबाइन ही वो आपके, ये आप ये कह सकते हैं कि वो डिवाइस है, ये आप ये कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्निंग, वो कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ये वो सिस्टम कुछ भी के जो कि मेन इम्पोर्टेंट है और यही रिस्पॉन्सिबल है जो स्टीम एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। सो स्टीम टर्बाइन मे बी क्लासिफाइड एज एन रोटेटरी मशीन विच कन्वर्ट्स एनर्जी कंटेन स्टीम इंटू मैकेनिकल एनर्जी और रोटेटरी एनर्जी। स्टीम टर्बाइन जो इसको मेनली दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाइड किया गया, इम्पल्स एंड रिएक्शन। इम्पल्स और रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन भी होता है जिससे आप लोगों को थर्ड पार्ट बना दिया गया। अगेन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो लोग इसको काफ़ी डीपली पढ़ते हैं। फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स केवल ओवरव्यूज जानना जरूरी है। जो इम्पल्स टर्बाइन है उसके अंदर क्या होता है, आपके लोगों के पास में जो स्टेशनरी नोजल होता है वो स्टेशनरी ही रहता है और कुछ इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपके पास में मूविंग प्लेट्स होती है, यहाँ पे नोजल होता है। ये जो नोजल होता है ये बकेट टाइप एक स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये बकेट टाइप स्ट्रक्चर मान लीजिए, और इसके ऊपर जो स्टीम है वो आके हिट करती है और ये जो नोजल है ये रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, बस यही होता है इसके अंदर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये एक रोटर है, इसके अंदर यहाँ पे एक नोजल है और ये नोजल है, इसके अंदर में से स्टीम आ रही है और यहाँ पे भी एक नोजल है, इससे क्या हो रही है कि स्टीम आ रही है और यहाँ पे क्या होता है कि एक बकेट, एक स्पून टाइप आप या एक बकेट टाइप ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके ऊपर पूरे, तो उसके क्या हो रहा है डायरेक्टली आके यहाँ पे स्टीम हिट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर रोटेशन हो रहा है। और रिएक्शन टर्बाइन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन टर्बाइन के अंदर ये आप लोगों की ये टर्बाइन है, इसके अंदर यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि एक होल होता है और यहाँ से कुछ नोजल्स निकल रहे हैं, यहाँ से आपकी स्टीम आ रही है और ये स्टीम जो है वो इस जगह पे बाहर आके एक्सपांड हो रही है, कुछ स्टीम यहाँ पे पार्शियली एक्सपांड हो रही है कुछ, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है। उसके साथ साथ के अंदर यहाँ पे जो आपके पास के अंदर एक और रोटर रोटर टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है उसके ऊपर जाके ये टच हो रही है, तो यहाँ पे और ही एक्सपांड हो रही है, तो उसकी वजह से ये भी आपके पास के अंदर रोटेट हो रहा है। तो यही होता है इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। ज़्यादा डीपली आपको जाना नहीं है टर्बाइन्स के अंदर क्योंकि टर्बाइन्स काफ़ी ज़्यादा डीप के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा इनको समझने के लिए केवल और केवल एक ओवरव्यूज आपको मैंने दे दिया है। बाकी अगर आपको समझना है तो इनके लिए अलग से यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के, काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर, तो आप लोग वहाँ से समझ, बट हमारे लिए केवल इतना ही समझना जरूरी है कि इम्पल्स टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन होती है। इम्पल्स टर्बाइन जो होती है द स्टीम एक्सपांड्स कम्प्लीटली इन द स्टेशनरी नोजल्स, द प्रेशर ओवर द मूविंग ब्लेड रिमेन कॉन्स्टेंट सो डेट द स्टीम अटेंड्स ए हाई वेलोसिटी एंड स्ट्राइक्स अगेन द मूविंग ब्रेक्स एज द रिजल्ट इन इम्पल्स फोर्स ऑन द मूविंग ब्लेड्स विच सेट्स द रोटर रोटेटिंग। ठीक है, वही हो गया। रिएक्शन टर्बाइन के अंदर क्या होता है, द स्टीम इज पार्शली एक्सपांड इन इट्स स्टेशनरी नोजल, द रिमेनिंग एक्सपांशन टेक प्लेस ड्यूरिंग इट्स फ्लो ओवर द मूविंग ब्लेड्स, द रिजल्टेंट इज दैट द मूवमेंट ऑफ द स्टीम कॉज बाय द रिएक्शन फोर्सेज सो द मूविंग ब्लेड्स विच सेट टू बी सेट द रोटर इन द मोशन। देखिए रिएक्शन टर्बाइन के अंदर क्या हो रहा है, मेनली ये आपकी ये टर्बाइन है क्योंकि, और उसके अंदर क्या, और ये यहाँ पे ये आउटलेट है कुछ और यहाँ पे ये है, तो ये मान के चले कि यहाँ से भी स्टीम बाहर आ रही है, यहाँ से भी स्टीम बाहर आ रही है, स्टीम का जो इनलेट है वो कुछ इस तरीके का, यहाँ से स्टीम का इनलेट है, यहाँ से ये बाहर निकल रही है और ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन टर्बाइन। टर्बाइंस मेरे को लगता है कि आप लोगों, मतलब जितनी भी टर्बाइंस होगी ना हाइड्रो की और स्टीम की, इसके लिए ना जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद के अंदर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही समझाना पड़ेगा सारी टर्बाइंस को। टर्बाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादातर तो पूछा जाता नहीं क्योंकि हमें केवल बेसिक्स कवर करना है, तो सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादातर तो पूछा जाएगा नहीं है, डायरेक्टली टर्बाइन के ऊपर तो नहीं पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन के बीच के अंदर तो थ्योरेटिकल डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो द कंडेंसर, सो ए कंडेंसर इज अ डिवाइस विच कंडेंस द स्टीम एट द एग्जॉस्ट ऑफ द टर्बाइन। नाउ कंडेंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंडेंसर ही आपके पास के अंदर वो इक्विपमेंट है जो कि एक तरीके से मान के चले कि मोस्ट ऑफ दी हीट एनर्जी इसी के ऊपर वेस्ट होती है, वेस्ट हो जाती है आपकी, बट वो वेस्ट होने का भी एक रीज़न है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पे जो कंडेंसर है उसके यहाँ पे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर को रखना ही होगा, और वो आप तब, और वो अगर आप लो प्रेशर लो टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो स्टीम फुल्ली एक्सपांड होगी नहीं और आपको वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कंडेंसर होता है ये आपके पास में दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट इज इट क्रिएट्स अ वेरी लो प्रेशर एट द एग्जॉस्ट ऑफ द टर्बाइन थस प्रिमिटिंग एक्सपांशन ऑफ द स्टीम इन द प्राइम मूवर टू अ वेरी लो प्रेशर। और सेकेंडली क्या होता है कि जो कंडेंस स्टीम होती है आपके पास के अंदर वापस से वो फीड वाटर टू द बॉयलर की तरह काम करता है, मतलब कि जो कंडेंस हो रहा है आपके पास के अंदर उसे फटाफट से वापस से बॉयलर के अंदर भेजने के लिए जो वाटर की
जो डिमांड है उसको, बॉयलर की जो वाटर की डिमांड है उसको फुलफिल भी आपके पास में कंडेंसर करता है। नाउ कंडेंसर अगेन दो तरीके के होते हैं, जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर। पहले इन कंडेंसर के डायग्राम्स हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है ये सरफेस कंडेंसर का डायग्राम है। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, जो स्टीम है वो ऊपर से आ रही है और यहाँ पे जो है ये आपके पास के अंदर वाटर के लिए ट्यूब्स है। सो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है स्टीम का इस कूलिंग वाटर के साथ के अंदर, और क्या हो रहा है कि ये स्टीम यहाँ से आ रही है और ये कूलिंग वाटर है। ये इस कूलिंग वाटर को क्या होती है, अपनी हीट ट्रांसफर करे जाती है और लास्ट के अंदर जो होते हैं ये स्टीम जो है ये नीचे आके कंडेंस हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है और हॉट वेल होता है। अच्छा, हॉट वेल से क्या होता है, जो कंडेंस स्टीम होती है उसको निकाल के वापस भेज दिया जाता है कहाँ पे, बॉयलर के अंदर फीड वाटर हीटर के ऊपर। और ये वाटर इनलेट होता है, ये वाटर इनलेट जो है ये कनेक्टेड होता है आपके पास में कूलिंग टावर से, और ये वाटर आउटलेट भी कनेक्टेड होता है कूलिंग टावर से। सो वाटर इनलेट से क्या होता है कि जो कूलिंग टावर से ठंडा पानी जो होकर आ रहा होता है उसे यहाँ पे डाला जाता है इन ट्यूब्स के अंदर, और वाटर आउटलेट से वापस से कूलिंग टावर के ऊपर दिया जाता है कि कूलिंग टावर जो है वो अपना काम करे और वापस से पानी को ठंडा करे। ये तो हो गया सरफेस कंडेंसर। इसके बाद में होता है जेट कंडेंसर। अब जेट कंडेंसर क्या होता है आपके पास में, इसमें क्या होता है कि जो स्टीम होता है उसको डायरेक्टली मिक्स कर दिया जाता है जो कूलिंग वाटर आ रहा है उसके साथ में, और दोनों का ही टेम्परेचर आपके पास में एक कर दिया जाता है, और फिर दोनों को ही एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से एक हॉट वेल जो बनाया जाता है उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। कुछ पानी को जो हमें रिक्वायरमेंट है उसे वापस बॉयलर को भेज दिया जाता है जो कि बॉयलर के अंदर जो हमें बॉयलर, और बाकी जो पानी है उसको वापस से कूलिंग के लिए कूलिंग टावर के ऊपर भेज दिया जाता है, और कूलिंग टावर से फिर से उसको कूलिंग इनलेट के ऊपर भेज के वापस से अगेन ये साइकिल चलती रहती है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग वापस से देख लेते हैं कि इन अ जेट कंडेंसर कूलिंग वाटर एंड एग्जॉस्ट स्टीम्स आर मिक्स टुगेदर, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एंड कंडेंसर इज सेम व्हेन लीविंग द कंडेंसर। यही है छोटा सा डेफिनेशन है इसका। और इन सरफेस कंडेंसर देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द कूलिंग वाटर एंड एग्जॉस्ट स्टीम, इट कंसिस्ट ऑफ एन बैंक ऑफ ओरिजिनल ट्यूब एनक्लोज्ड इन एन कास्ट आयरन सेल्स, द कूलिंग वाटर फ्लोज थ्रूआउट दीज ट्यूब्स एंड एग्जॉस्ट स्टीम ओवर द सरफेस ऑफ दीज ट्यूब्स, द स्टीम गिव्स अप इट्स हीट थ्रू द वाटर एंड कंडेंस इटसेल्फ। वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझाया है और काफी सिंपल है। मेनली ज्यादातर अगर देखा जाए तो सरफेस कंडेंसर ही आजकल ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सरफेस कंडेंसर के सामने आदमी की हाइट कितनी छोटी दिख रही है। अब ना एक चीज बार बार आ रही है, कूलिंग टावर। एयर प्री हीटर्स को शायद मैंने बताया नहीं है। एयर प्री हीटर्स को अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो एयर प्री हीटर्स की काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। इनका बेसिक वर्क होता है कि जो एयर आ रही है उसको फटाफट से क्या होता है कि गर्म करके इसके अंदर डालना, जिससे क्या होगा कि कंबल्शन के अंदर आपको हेल्प मिले और कंबल्शन की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास के अंदर इम्प्रूव रहे। अच्छा, एयर प्री हीटर भी आप लोगों के पास के अंदर दो तरीके के होते हैं, बट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो लिया जाता है रीजनरेटिव टाइप। रिपल्सिव टाइप को काफ़ी कम काम में लिया जाता है। एयर प्री हीटर को भी आप लोग आपके नोट्स के अंदर इंक्लूड जरूर करिएगा। तो चलिए कूलिंग टावर, सबसे पहले आप लोग कूलिंग टावर का फोटो देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। अच्छा, कूलिंग टावर क्या होता है, ये इस तरीके के ये टावर्स होते हैं, इनके नीचे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ होता है। ठीक है, ये जो कूलिंग टावर होता है इसके नीचे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ होता है और ये कूलिंग टावर्स होते हैं। ठीक है, इससे ये जो निकल रहा है ये क्या बाफ है। ठीक है, ये बाफ निकल रही है। सो कूलिंग टावर की डेफिनेशन से हम लोग अगर चलें, सो कूलिंग टावर क्या होता है कि अ कंडेंसर नीड्स ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप ये मान के चले कि अगर हम लोग एक चीज समझो मैं आपको, तो एक किलो जो स्टीम है उसको ठंडा करने के लिए आपको 100 किलो पानी की जरूरत होती है। अब अगर आप खुद सोचिए कि एक किलो स्टीम को ठंडा करने के लिए 100 किलो पानी की जरूरत है, ना जाने कितना ही टन कोयला रोज का कंज्यूम हो रहा है, ना जाने कितनी ही टन स्टीम रोज की जनरेट हो रही है, तो आप खुद सोचिए कितना ही टन पानी आपको ठंडा करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंडा तो आपको करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि लो प्रेशर तो आपको स्टीम के एग्जॉस्ट के ऊपर मेंटेन करना ही करना है, और उसको ठंडा करने का क्या जरिया है आपके पास के अंदर, कंडेंसर। अब कंडेंसर का बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, तो क्या होता है कि इतना पानी रिवर से तो वो ले नहीं सकता है, वरना NGT वाले प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे उसके लिए। तो क्या होता है कि वो कूलिंग टावर्स बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसी पानी को वापस से रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। तो क्या होता है कि कूलिंग टावर नीड्स ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू कंडेंस द स्टीम सच दैट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एन कूलिंग वाटर मे बी मीट इफ द प्लांट इज सिचुएटेड नियर द बिग रिवर। ठीक है, अगर आपकी जो प्लांट है वो अगर किसी नदी वगैरह के पास के अंदर है तो आप लोग ईजिली आप लोगों को पानी वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज नदी से थोड़ा सा दूर ही उसे सेटअप किया जाता है, और पॉसिबल भी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली गर्म पानी लें, ठंडा पानी लें और गर्म पानी आप छोड़ दें रिवर के अंदर। इससे क्या होगा कि रिवर की जो भी बायोसाइकिल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट
पड़ेगा और वह हजार्ड होगा एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए एज वेल। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि अ लार्ज सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इज यूजुअली नॉट अवेलेबल नियर अ थर्मल पावर प्लांट, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट यूजेस अ क्लोज्ड कूलिंग वाटर सिस्टम वेयर द वार्म वाटर कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर इज कूल्ड एंड रीयूज्ड। स्मॉल प्लांट यूजेस स्प्रे पॉन्ड्स, स्प्रे पॉन्ड्स भी आप देख लीजिए, स्प्रे पॉन्ड्स का भी फोटो है। इसके अंदर क्या है कि जो गर्म पानी आ रहा है कंडेंसर से उसको क्या हो रहा है कि पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर बना दिया गया है और यहाँ पे क्या हो रहा है उस पानी को छोड़ा जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये पानी यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। ऑब्वियसली चीज़ एक बार प्रैक्टिकली भी आप सोच के देखिए, जैसे दूध चाय हम लोग ठंडा करते हैं, ऊपर से हम लोग उस दूध चाय को हम लोग डालते हैं, नीचे तपेला रखा होता है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि सेम वो दूध क्या होता है ठंडा होता जा रहा होता है, ऊपर से बार बार उसको बार बार डाला जाएगा, तो वो विथ हेल्प ऑफ वो अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग एयर को डिस्पैच करी जाती है और वो ठंडा होता जाता है। वही कंसेप्ट है यहाँ पे। सो नाउ कूलिंग टावर्स, कूलिंग टावर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू वेट कूलिंग एंड ड्राई कूलिंग। ठीक है, वेट कूलिंग और ड्राई कूलिंग के अंदर कूलिंग टावर्स को क्लासिफाइड किया गया है। वेट कूलिंग के अंदर क्या होता है, वेट कूलिंग का भी एक डायग्राम है, हम लोग पहले उस डायग्राम को समझ लेते हैं उसके बाद में आगे डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। वेट कूलिंग के अंदर क्या होता है, जो कंडेंसर से जो हॉट वाटर आ रहा है जो कि आप लोगों ने कूलिंग के लिए उसके अंदर काम में लिया है, जो हॉट वाटर आ रहा है उसको क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक हाइट के ऊपर ऊपर ले जाया जाता है और उसे नीचे से छोड़ा जाता है। नीचे क्या होता है कि हॉट वेल बनाया जाता है, एक पॉन्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर, एक तालाब टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसको क्या ऊपर से डाला जाएगा। और नीचे से कूलिंग टावर के अंदर क्या काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, तो नीचे से तो क्या होता है हवा जा रही है और पानी ऊपर से आ रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि पानी ठंडा होगा ही होगा और जो भी वाफ वगैरह है वो यहाँ पे एयर आउटलेट के फॉर्मेट के अंदर यहाँ से ऊपर से वाफ वगैरह वाफ जितनी भी होगी वो निकल जाएगी और नीचे आपको क्या होगा ठंडा पानी मिल जाएगा और इस ठंडे पानी को वापस से आपके पास के अंदर कहाँ पे जो आपका कंडेंसर है वहाँ पे भेज दिया जाएगा, जो कोल्ड वाटर जो यहाँ से निकल रहा है उसको वापस से आपके पास के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये तो क्या क्या हो गया, ये तो हो गया आपके पास के अंदर एक टाइप ऑफ वेट कूलिंग टावर। ड्राई कूलिंग टावर के अंदर क्या होता है, नीचे आपके पास के अंदर बड़े बड़े फैंस लगा दिए जाएंगे, बड़े बड़े फैंस लगा दिए जाएंगे और क्या होगा कि ट्यूबिकल स्ट्रक्चर के तहत, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, ट्यूबिकल स्ट्रक्चर के तहत आपके पास में क्या होगा कि पानी आएगा यहाँ से और उसको क्या होगा ठंडा किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है अगर हवा चल रही है और कोई आप तो जो अपनी हीट है वो छोड़ता जाएगा और उसके बाद में क्या होता है कि वो वापस से कंडेंसर को भेज दिया जाएगा। सो नाउ वेट कूलिंग के अंदर क्या होता है, वार्म वाटर लेड्स टू द टॉप एयर फ्लो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, द वाटर ड्रॉपलेट्स फेसिंग फ्रॉम द टॉप कमिंग टू इन कॉन्टेक्ट विद द एयर एंड लूजेज द हीट टू द एयर एंड गेट कूल्ड। वही सिस्टम है कि एक पानी को एक सर्टेन हाइट के ऊपर ले जाया जा रहा है, एक सर्टेन हाइट से क्या होता है कि फिर पानी को नीचे छोड़ा जा रहा है, नीचे से क्या हो रहा है कि हवा जा रही होती है और नीचे एक पॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसके अंदर क्या होता है ऑब्वियस चीज़ है पानी ठंडा होता जाएगा और उस पानी को वापस से कंडेंसर के ऊपर भेज दिया जाता है। ड्राई कूलिंग के अंदर क्या होती है, द कंडेंसर इज सर्कुलेटेड थ्रू द टावर बाय द ट्यूब्स, स्पेशली डिजाइन कूलर्स आर माउंटेड ऑन द बेस ऑफ द टावर्स। ठीक है, ये हो गई आपके पास के अंदर ड्राई कूलर। चलो, सो फीड वाटर हीटर, फीड वाटर हीटर क्या होता है, जो कि हम लोगों ने देखा था, आप लोगों को अगर ध्यान हो कि जो कंडेंसर है उसके बाद में एक्सट्रैक्शन पंप लगा होगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन पंप लगे होने के बाद के अंदर यहाँ से फिर एक फीड वाटर पंप लगा होगा और उसके बाद के अंदर यहाँ पे फीड वाटर हीटर लगा होगा। इसका मेन काम क्या होता है कि जो पानी जो कि हम लोग बॉयलर को फीड करने वाले हैं उसको उसका टेम्परेचर राइज करना, जिससे क्या हो कि बॉयलर के अंदर फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो और हमारी जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो, बॉयलर के ऊपर ज़्यादा, बॉयलर की जो फर्नेस है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। बाकी एक अगर पानी आप पहले से ही थोड़ा सा उबला हुआ डाल रहे हो तो ऑब्वियस चीज़ है कि कम फ्यूल के अंदर वो काफ़ी अच्छे से और पानी को उबाल सकता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से पानी को भेजा जाता है इकोनोमाइजर के ऊपर। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देखिए जो फ्लू गैसेज जो हम लोगों ने एयर प्री हीटर के बाद से जो निकल रही होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज तो रहेगी रहेगी, छोटे से डस्ट पार्टिकल भी रह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा और उसको डायरेक्टली एनवायरमेंट के अंदर छोड़ना ह्यूमंस की लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या होता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी सांस की नली के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जाके हमारे लंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं, जो कि ह्यूमंस बर्ड्स एनिमल्स सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं चिमनी और जो आपका फ्लू गैसेस का जो पाथ है उसके बीच के अंदर। इनका क्या काम होता है कि अगर जो भी चार्ज पार्टिकल है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के टच हो जाएगा और अगर कोई पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज के तो वो वहीं के वहीं पर इकट्ठे होते जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर नहीं जाते। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है कि द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज टू रिमूव द फाइन डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैसेस, इट कनेक्टेड टू द हाई डीसी वोल्टेज ऑफ अबाउट 30 kW, इट प्लेस बिटवीन द कंबल्शन चैम्बर एंड चिमनी। वही है डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को समझाई। अच्छा, अब एक टॉपिक हम लोगों ने छोड़ दिया था जो कि था साइट सिलेक्शन।
अच्छा, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द स्टीम पावर प्लांट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट यूनिट का टॉपिक है वैसे तो, बट हम लोग इसको इसी में कवर अप कर लेते हैं। सो द सिलेक्शन, द साइट शुड बी नियरेस्ट टू द कोल माइन सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज मिनिमम। जो आपका जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसको इस जगह पे सिचुएट, उस जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे इजीली आपके पास के अंदर कोयला जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि 2000-3000 किलोमीटर दूर से कोयला आ रहा है कि जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम रेट के ऊपर आपको एक अच्छी कंटिन्यूस रिलायबल पावर फ्लो आपको एंड यूजर तक पहुँचाना है। तो आप लोगों आपकी जो कोल माइंस है उसको इस जगह इस प्लेस पर सेटअप करेंगे ताकि एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी आपके पास में मेंटेन रहे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर शुड बी अवेलेबल, ऑब्वियस चीज है किसी ना किसी, क्योंकि हमारे को कंडेंसर के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस जगह सिचुएटेड करना चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास में पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली 24/7 मेंटेन रहे। स्टीम पावर प्लांट स्टेशन शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर द लैंड इज चीप एंड फर्दर एक्सटेंशन। स्टीम पावर प्लांट को उस जगह सेटअप किया जाए जहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो कि अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर पॉपुलेशन बढ़ता है, उस प्लांट के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ता है, तो वो इजीली काफ़ी इजीली और ज़्यादा ज़मीन जो है उसको एक्वायर कर सके और जो प्लांट की यूनिट्स हैं उसको काफ़ी इजीली सेटअप किया जाए। ऐसी नहीं हो कि वो जगह बस बहुत ज़्यादा पथरीली हो या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो। नियरेस्ट टू द लोड सेंटर, ऐसा भी नहीं हो कि पावर जनरेशन आपके पास में न जाने कहाँ हो रहा हो कि माइंस वाइंस वहाँ हैं और हज़ार किलोमीटर दूर आपको पावर आपकी यूटिलाइज। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एसी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज करो तो उसके ऊपर पोस्टिंग इंक्रीज हो गई, डीसी हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर उसका जनरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्टेज आपको ऑब्वियसली चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा कम करनी ही पड़ेंगे। नियर टू द लोड सेंटर की 200-300 किलोमीटर की, ताकि वो पॉपुलेशन के लिए भी हजारडियस नहीं हो और लोड सेंटर के भी पास के अंदर आ जाए। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन, एज यूजुअल मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन से उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लू गैसेज जो होती है, कंबल्शन गैसेज जो होती है, ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। सुनाओ अब एफिशिएंसी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, लास्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। एफिशिएंसी, सो द थर्मल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स। सो थर्मल एफिशिएंसी को आप डिफाइन करेंगे कि रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर टू द टर्बाइन अपॉन हीट ऑफ कोल कंबल्शन। ये हो गई आप लोगों के पास में आपकी थर्मल है कि आप लोगों को कितनी मैकेनिकल एनर्जी मिली है टर्बाइन के ऊपर और विद हेल्प ऑफ हीट ऑफ कोल कंबल्शन। ये आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ऑल आउट एफिशिएंसी क्या होती है, हीट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो आपको मिला है ऑब्लिक हीट ऑफ कोल कंबल्शन, ठीक है। और आपके पास में ओवरऑल एफिशिएंसी को डिफाइन किया गया थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे जो अच्छी बुक है वो है वीके मेहता। वीके मेहता काफ़ी अच्छी बुक है, उसकी हेल्प से आप लोग एफिशिएंसी के ऊपर रिलेटेड थर्मल पावर प्लांट के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करिए, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। वैसे ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल है बट एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच। लगभग मैंने इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर आने वाला, थ्योरेटिकल पेपर्स के अंदर आने वाला जितना भी टॉपिक है उसको मैंने कवर अप करने की कोशिश करी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।